आपसे यह समझना चाहेंगे क्योंकि बहुत से राजनीतिक पंडित ये कहते हैं कि बीजेपी ने अपनी मैक्सिमम सीट्स जो हैं वो ले ली हैं खासकर उत्तर भारत में और उन्हीं लोगों का यह एनालिसिस होता है कि दक्षिण भारत में शायद वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाए लेकिन वो ट्रांसलेट नहीं होगा आ, सीटों में कहाँ से सीटें आएंगी यही पंडित कहते थे ईस्ट में बीजेपी नहीं है आज पूरा ईस्ट बीजेपी से भरा हुआ है अगर हम पंडितों की सुनते के के दो तो रहते हैं हम दो से तीन सौ पार गए गए पंडितों को मालूम ही नहीं पड़ा कहाँ से कराए भाई पूरा आसाम जीत लिया अरुणाचल जीत लिया मिजोर अपना, अपना मणिपुर जीत लिया बंगाल में आधे हो गए उड़ीसा जीत लिया तेलंगाना में पहुंच गए कौन पंडित आकलन करता था कोई नहीं करता था जब देश को हमारी पार्टी के नेता पर विश्वास है तो देश एक है हर जगह से वोट मिलेगा हर जगह से सीट मिलेगी और हम 400 पार कर, कर तीसरी बार दो तिहाई बहुमत के साथ सरकार बनाए गृहमंत्री जी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई बार अपने वक्तव्यों में कहा कि पहले पांच साल गड्ढे भरने के होंगे उसके बाद दूसरे पांच साल जन आकांक्षाओं के और फिर अगले पांच साल कड़े फैसलों के क्या वो कड़े फैसले हो सकते हैं देखिए मोदी जी ने 2014 से लेकर अब तक समय समय पर उचित समय पर बहुत कड़े फैसले लिए